हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नौसिखियाज कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छिलके वाली मसूर की दाल। ये दाल और सब्जी दोनों की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है। ये खाने में टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की विधि। इसके लिए मैंने आधे कटोरी मसूर की दाल ली है छिलके वाली। इसको हम अच्छे से धुल लेंगे। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है ऐसे कटा हुआ, और पीसने के लिए मैंने दूसरी प्लेट में लगभग एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले ली है। अब मैंने कुकर में तेल डाल दिया है 2 से 3 चम्मच, बड़े चम्मच। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। हींग के बाद मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा, और अब मैंने लच्छे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं भून रही हूँ। इसको भूनने के बाद मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, उसको डाल दिया है। ये देखिए रंग चेंज हो गया है प्याज का। अब मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर पीस भी सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कटोरी में ले लिया है मसाले। मसाले में हल्दी, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1 चम्मच ले लिया है, और लगभग 1 चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। इन सबको मैं पानी से मिला के एक अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। अब मैंने इसे टमाटर और प्याज वाले मिश्रण में डाल दिया है। अब हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा भुन गया है। मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें मसूर की दाल जो धुल के रखा हुआ था उसे डाल रही हूँ। इसको भी मैं थोड़ी देर भून रही हूँ, लगभग 5 से 7 मिनट तक। मैंने इस पे मीडियम आंच पे इसको भून लिया है। अब मैंने इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। आप पानी चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप ग्रेवी उस हिसाब से रखें, चावल के साथ खाना है तो आप उसको थोड़ी पानी ज़्यादा डालें ताकि रस्सा आपका ज़्यादा बने।
तो मैंने इसमें 1.5 गिलास लगभग पानी डाल दिया है और अब मैं इसको 3 से 4 सीटी इसको लगा दूंगी। ये देखिए 3 से 4 सीटी मैंने इसमें लगा दिया है और मसूर की दाल तैयार है खाने के लिए। इसको आप अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर 1 कलछी भर के देसी घी डाल दिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है देसी घी के साथ। आप इसको चावल चाहे रोटी जिसके भी साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो आप ज़रूर मसूर की दाल ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।